ठीक, अगर तुमको बैठना है तुम्हें दिक्कत हो तो यहाँ बैठ सकते हो, दिख रहा है मैं क्लियर हूँ? अच्छा ठीक, देखो देखो यूपीएससी कोई एग्जाम नहीं है, आपने ऑन कर लिया? यूपीएससी कोई एग्जाम नहीं है, पहले ये बात समझो। यूपीएससी एक बॉडी है, एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे आरबीआई एक बॉडी है, एक इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स जो होते हैं जैसे एक इंस्टीट्यूशन है, वैसे यूपीएससी भी एक इंस्टीट्यूशन है। इसका पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्विस कमीशन। ये कहां पर है? अगर ये इंस्टीट्यूशन है तो कहीं पर होगा ना, कहीं पे होगा ना ये, तो कहां पे है? ये दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। समझे बात को? अच्छा, ये किस टाइप की बॉडी है? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें ये मेंशन है, अंडर विच आर्टिकल? ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, बस ये समझ लेते हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये न्यू दिल्ली में एक, समझ लो कि एक इंस्टीट्यूशन है, समझ लो कि एक बिल्डिंग बनी हुई है, मान लो लेमन टर्म्स में, ठीक, न्यू दिल्ली में। ये न्यू दिल्ली में कहां पर है? दिल्ली गए? दिल्ली में धौलपुर हाउस करके एक जगह है, धौलपुर हाउस एक जगह है, और ये समझ लीजिए आपके लिए वो मंदिर है, जैसे पुजारी के लिए मंदिर होता है ना, आपके लिए यही मंदिर है, और भगवान करे कि आप सब इस जगह पहुंचे एक दिन इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इंटरव्यू पूरे भारत में और कहीं नहीं होता है, यही होता है, इस बात को समझिएगा। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो न्यू दिल्ली में धौलपुर हाउस में, वहां पे आप जाएंगे, ठीक है? तो ये एक तरह का समझ लो जैसे स्कूल होता है ना, डीएवी स्कूल, डीपीएस स्कूल, एलपीएस, तो आप जाते हो उस जगह फलाना डी जगह पर, वैसे ये भी एक बिल्डिंग है, एक इंस्टीट्यूशन है न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में ये धौलपुर हाउस में, ठीक। इसका काम क्या है? जैसे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में क्या काम होता है? स्कूल में जाते हैं पढ़ते हैं, बैंक में जाते हैं तो हम अपना अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें हमने बेसिकली अपना पैसा जमा किया, वहां से लोन लिया, हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो हमारा इलाज होता है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज इसे केजीएमसी बोलते हैं, तो वहां पे हमारा इलाज होता है, तो हर जगह को मतलब कोई काम है ना। सिमिलरली इसका भी तो कोई काम होगा, कैसे खोल दिया है? इसका काम है कि गवर्नमेंट जॉब में जो ग्रुप बी के ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट किसे कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा है? केंद्र सरकार, जो दिल्ली में बैठी हुई है, एक राज्यसभा, जैसे योगी जी राज्य सरकार के चीफ, मतलब हमारे जो है चीफ मिनिस्टर है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी योगी जी, तो वो राज्य सरकार हुई, स्टेट गवर्नमेंट हुई। वैसे नरेंद्र मोदी जी क्या है? वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो कौन से हो गए? वो हो गए यूनियन गवर्नमेंट। समझ में आ गया आपको? तो यूनियन गवर्नमेंट जो है एग्जीक्यूटिव होता है, और एग्जीक्यूटिव के वो हेड है जो हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है। समझ में आ गया? तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूनियन गवर्नमेंट, पूरे भारत की गवर्नमेंट हो गई वो, और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट भर की गवर्नमेंट हुई, तो यूनियन गवर्नमेंट नाम क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट आप, मैं इसके काम करता हूं, यूनियन गवर्नमेंट शब्द ही इस्तेमाल करें, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक। सरकार तो आदेश करेगी ना, सरकार बोले ये होना चाहिए वो होना चाहिए, इन आदेश को पालन कौन करेगा? मान लीजिए सरकार ने कहा कि भाई हमें एक योजना चलानी है, क्या योजना चलानी है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का नाम सुने? नहीं सुने, कोई बात नहीं,
पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का भी नाम नहीं सुने होंगे, आयुष्मान भारत का नाम सुने, कोई स्कीम का नाम सुने कोई जो भारत चला रही हो, कोई स्कीम, कोई भी स्कीम बताओ जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो, कोई भी योजना चल रही हो, जैसे कोई भी कभी देखे होगे, राशन की दुकान सुने हो कि नहीं, राशन की दुकान जो होती है वो पीडीएस स्टॉक कहता है उसको, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहता है उसको, तो वो बेसिकली होता तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, लेकिन उसमें जो राशन आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है, कई बार स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी आता है, समझ में। तो सस्ते रेट में चावल मिलता है ना, चावल गेहूं वगैरह सब, ये क्यों सस्ता मिल रहा है, उतने सस्ते में तो बाहर मिलता नहीं है, तो सरकार उसके बदले पैसा देती है। मान ली सरकार ने कहा कि 3 रुपए में चावल देंगे, सरकार ने कहा कि हम 3 रुपए में ही चावल प्रोवाइड कर देंगे, और चावल मिलता तो 20 रुपए का है, तो 17 रुपए कौन दे रहा है, तो यूनियन गवर्नमेंट दे रही ना पैसा, 3 रुपए में चावल मिला है ना। अब लोगों तक चावल गेहूं मिला कि नहीं मिला ये कौन देखेगा, सरकार, सरकार देखेगी नहीं। सरकार को इतना फुर्सत है कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे कि भैया जानकीपुरम के राशन के दुकान में प्रकाश कुमार को 5 केजी चावल मिला है कि नहीं, नहीं देखेगी ना, नहीं देख, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं देख पाएगी। अरे मैं ही थोड़ी ना हूं, पूरे भारत में इतने लोग हैं, तो ये जिम्मेदारी दी गई है आईएएस की, ग्रुप ए ग्रुप बी ऑफिसर्स को दी गई जिम्मेदारी दी गई है कि आप देखिए कि सबको चावल मिला कि नहीं, एक स्कीम चल रहा है, एक योजना चल रही है, उसके अंदर आपको मिला कि नहीं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो क्या करेगी, रूल बनाएगी, उस रूल को जमीनी तौर पर इंप्लीमेंट कौन करेगा, ग्राउंड लेवल पर उसे इंप्लीमेंट कौन करेगा, कौन उसको लागू करेगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, सिविल सर्वेंट्स की, इसको सिविल सर्वेंट कहते हैं, समझ में आ गया आपको, आईएएस आईपीएस। अब आपको कोई रूल बन गया कि किसी ने लड़की को छेड़ा तो 2 साल की सजा है, अब किसी ने लड़की को छेड़ दिया, इफ टीजिंग कहते हैं जिसको हम लोग, तो भैया तुमने कह बना तो दिया है 2 साल, उस लड़की जिसने जिस लड़की को छेड़ा है उस आदमी को पकड़ के कोर्ट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, अब कोर्ट ने आदेश किया कि 2 साल की सजा होगी तो उसको जेल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, कौन पहुंचाएगा, पुलिस, ये सिविल सर्वेंट्स हैं, समझ में आया कि नहीं आपको। एक इलाका हो गया जिसमें गुंडे छिपे हुए हैं, हो सकता है मार डाले, हो सकता है बम फोड़ दे, उनको गिरफ्तार करनी और नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं और बंदूक चलाए जा रहे हैं, तो इनकाउंटर करने की फॉर दैट मैटर कि ज्यादा कोलेटरल डैमेज ना कर दें ये लोग, ये कौन देखेगा, सिविल सर्वेंट, आईपीएस आईएएस, समझ में आ गया। तो यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इन्हीं सिविल सर्वेंट कि कौन से, अब कोई भी तो बन नहीं जाएगा, अदरा पदरा किसी को बटाया और आईएएस बना दिया, ऐसा तो थोड़ी ना चलेगा, उसके अंदर कुछ एबिलिटी होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि भैया उसको पूरा डिस्ट्रिक्ट संभालना है, तो किसी को भी नहीं बनाया जा सकता सिविल सर्वेंट, उसके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, ये क्वालिटी कौन डिसाइड करेगा, कैसे पता चलेगा, तो उसका एग्जाम होगा। तो ग्रुप देखो, अब सिविल सर्वेंट की भी कई कैटेगरी होती है, ग्रुप ए सबसे ऊपर का, ग्रुप बी उससे नीचे का, ग्रुप सी और ग्रुप डी नीचे के होते हैं, क्लर्क वगैरह जो होते हैं। तो ग्रुप ए यूनियन गवर्नमेंट में जो सिविल सर्वेंट बनते हैं, सिविल सर्वेंट जो होते हैं उनमें ग्रुप ए और ग्रुप बी, इसका सिलेक्शन, इसका एग्जाम ये यूपीएससी कराता है, बात समझे। ये तो ग्रुप ए और ग्रुप बी बनते हैं, इनका एग्जाम कौन कराता है, यूपीएससी कराता है, समझ में आया। अच्छा, अब यूपीएससी कई सारे एग्जाम कराता है, एनडीए का भी एग्जाम कराता है, सीडीएस का भी एग्जाम कराता है,
ये आपको प्रोविडेंट फंड वाला जो होता है उसका एग्जाम भी कराता है, सीएपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस वाला वो भी कराता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, लेकिन इन सभी एग्जाम का एक ही दादा है, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी कराता है आईईएस जिसको कहते हैं, लेकिन इन सभी एग्जाम का एक ही दादा, एक ही एग्जाम वो कराता है। ये सब तो एग्जाम करा ही रहा है, लेकिन एक वो एग्जाम जो सबसे ज्यादा कोवेटेड, सबसे ज्यादा प्रेस्टीजियस, सबसे ज्यादा डिमांडिंग, सबसे ज्यादा पॉपुलर, वो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। क्या नाम है उसका? कई सारे एग्जाम कराता है, उसमें एक सबसे ज्यादा प्रेस्टीजियस एग्जाम है, उसका नाम है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसको हम लोग कई बार सीएससी बोलते हैं, क्योंकि ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो इसलिए हम इसे यूपीएससी सीएससी बोलते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? इसके अलावा भी यूपीएससी कई एग्जाम कंडक्ट कराता है, जैसे यूपीएससी, यूपीएससी आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, आर्म फोर्सेस, आर्म सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, सीएपीएफ जिसको कहते हैं, जिससे वो बीएसएफ के जवान बनते हैं, सुना है आपने नाम बीएसएफ वाले, सीआरपीएफ वाले सुने हैं, सीआरपीएफ वाले हैं, सीआईएसएफ है, ये कौन बनाता है? यही बनाती है, यूपीएससी बनाती है। अच्छा, इसके अलावा कौन से एग्जाम कराता है? ये प्रोविडेंट फंड वाला जो होता है, तो बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है, लेकिन इन सबसे ऊपर जो एग्जाम होता है वो होता है सिविल सर्विसेज एग्जाम। अब इस एग्जाम से आप क्या क्या बनेंगे, इसका एक ही उत्तर है, आप जहां भी जाएंगे राजा रहेंगे, ये मैं बोल रहा हूं आपको, ये वो एग्जाम है, आप जहां भी जाएंगे राजा बनेंगे। ये आप सुनो, सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, इसमें बहुत चीजें हैं, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ का नाम तो सुने ही होंगे, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है ना, आईटीबीपी होता सब। अगर कोई सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करके आईपीएस बनता है, अगर आईपीएस को डिप्यूटेशन पे सीआरपीएफ में डाल दिया ना, समझ रहे बात को, वो हेड बन जाएगा वहां, मतलब तुम जिंदगी भर सीआरपीएफ में बिताए हो और किसी ने कभी सीआरपीएफ में टाइम नहीं बिताया है, और अगर वो यूपीएससी सीएससी के थ्रू आईपीएस बना हुआ है तो वो तुरंत सीआरपीएफ का हेड बन जाएगा। समझ लो बात को, यानी यूपीएससी सीएससी के थ्रू आप जो भी बनेंगे, जो भी आप बनेंगे, ये वो एग्जाम है, आप जहां जाएंगे आप उस डिपार्टमेंट में सबसे ऊंचे रहेंगे। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं आपको? जितने भी डिपार्टमेंट है भारत के, उन डिपार्टमेंट पर तुम सीधे जाओ, आज जाओ आप नेट पर सर्च मारना, उसके ऊंचाई पर कौन बैठा हुआ है? या तो वो आईएएस होगा, या वो आईपीएस होगा, या फिर यूपीएससी सीएससी के थ्रू कोई दूसरा अफसर होगा। आप बात समझ रहे हैं? ये बात समझ लीजिएगा। तो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के, अरे यार नहीं तो क्लास चलिए, ठीक है सर मैं थोड़ी देर में आता हूँ फिर आपके पास। ठीक है, तो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट के, उन सब के ऊंचाई पर जो बैठा हुआ है वो कौन है? वो ये एग्जाम से क्लियर किया हुआ बंदा है। मैं आपको बताता हूं उसको क्या क्या बनते हैं। आईएएस, जिसको आप क्या बोलते हैं फुल फॉर्म? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज। आईआरएस, आई इनकम टैक्स, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज।
IRS कस्टम एंड एक्साइज, अब तो डायरेक्ट वो हो गया है, जीएसटी हो गया है ना, तो अब इसको हम लोग मतलब कस्टम एक्साइज में जीएसटी वगैरह में आ गया, ये इसको कस्टम एक्साइज बोल सकते हैं आप। इसके अलावा IRTS इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, रेलवे का है ट्रैफिक में, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज और बहुत सारी सर्विसेज हैं, इंडियन पोस्टल सर्विसेज, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज और बहुत सारी सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। अब मैं बताता हूं आईएएस क्या है, ये तो मैंने बताया तुम्हें बहुत, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड होगा, ये कस्टम एक्साइज जीएसटी का हेड होगा, ये ट्रैफिक का हेड होगा, पर्सनल का हेड होगा, डिफेंस अकाउंट्स में हेड होगा, पोस्टल का हेड होगा, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स का हेड होगा। अब ध्यान सुनना आईएएस क्या है, आईएएस अगर इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में वो जा सकता है, आईएएस वो जनरल सर्विस है जो इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकता है और जहां जाएगा वो उसका एड बन जाएगा, इसलिए आईएएस की सबसे ज्यादा पूछो। जैसे ये सब ना स्पेसिफिक है, ये पुलिस में ही रहेंगे, ये रेवेन्यू में ही रहेगा, ये भी रेवेन्यू में रहेगा, ये ट्रैफिक में रहेगा, ये पर्सनल में रहेगा, ये डिफेंस अकाउंट में रहेगा, ये पोस्टल में रहेगा, ऑडिट अकाउंट में रहेगा, लेकिन आईएएस ही कोई नहीं है, उसको जहां भी भेजा जाएगा, कहते ना कि जहां से हम शुरू होते हैं वहीं से लाइन की शुरुआत होती है, वो जहां जाएगा वहां का क्या बन जाएगा, हेड बन जाएगा। अब कोई बोल नहीं सकता कि भैया हमने जिंदगी भर इंडियन ऑडिट अकाउंट में सर्विसेज बोला, खराब तब लगता है जब इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में आदमी ने अपना 55 साल बिता दिया, 59 ईयर्स पर है, और कल का 40 साल का लड़का आया आईएएस और वो बन गया कैग और ये नीचे मुंह देखते रह गए। समझ में आ गया, इसलिए आदमी इनमें से कुछ भी बन जाए वो तब तक एग्जाम देता है जब तक कि वो आईएएस नहीं बनता। लोग कहते हैं मुझे आईपीएस बनने का बड़ा शौक है, ये है, अगर तुम सही में पावर चाहते हो तो आईपीएस से कई गुना ज्यादा पावर आईएएस के पास है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आईएएस आएगा तो आईपीएस को सल्यूट करना पड़ जाएगा, अगर वो सर पे टोपी रखे हुए है तो उस तुथर से टोपी हटा देता है कि सल्यूट ना करना पड़ जाए, समझा। एसपी साहब बोलेंगे उनको सर बोलना पड़ जाएगा एसपी साहब को, आईएएस आगे जाता है पीछे से एसपी निकलता रहता है, देखिए कि नहीं। और सोचो एक अली अदना आदमी एसएचओ तुमको या दरोगा आपको सुना देंगे जाके, क्या क्या भाग ऐसे कोई देखेगा नहीं कि आप क्या हो अपने समय, अपने समय के। हाँ, उसका बॉस सबसे हेड एसपी उस जिले का वो आईएएस के पीछा पीछा कर रहा है, ये होता पावर और इसलिए इतनी मेहनत की जाती है। अब सवाल उठता है कि यूपीएससी, अब समझ में आ गया, यानी कि ये जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। अच्छा, यूपीएससी रिक्रूटमेंट ही कर रही है, रिक्रूटमेंट का काम यूपीएससी का नहीं है, यूपीएससी क्या कर रही है, बस एग्जाम कंडक्ट करा के बोल देती है कि देखो ऐसा है सीट कितना है 1000, मुझे टॉप के 1000 बच्चे ये मिले, मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूं कि इन लोगों को सेलेक्ट करिए, तब प्रेसिडेंट आपको अपॉइंट करता है। और इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती कि आपका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया है, आपका फोटो खिंचवाया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, राष्ट्रपति भवन में जाके खाना होगा, डिनर होगा, आप रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, राष्ट्रपति भवन में जब बंद गला के साथ आप जब फोटो खिंचाएंगे ना सर, उसकी बात ही अलग होती है। आप छोड़िए, आप तो फिर भी कहेंगे चलो ठीक है, आपके मम्मी पापा कितने गौरवान्वित होंगे ना उसका आपको अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि वो आपके वजह से वो अंदर जा पाए राष्ट्रपति भवन के अंदर।
ऐसा प्राउड फील करेंगे ना कि भाई जन्म लेना लड़के ने पूरा जो है सार्थक कर दिया। जब वैसे तो जा नहीं पाते, सिर्फ आप आईएएस क्वालिफाई करी हैं इसलिए आज उनको जाने का मिल गया। उनको उसी दिन कह देंगे भैया तुम्हारा जल लेना माफ, जाओ जो दर्द दिया है तुम्हें रख लो। बहुत बड़ी बात होती है जो तुम्हें मैं बता रहा हूं। लवासना में जो आपने फादर साहब डिनर करवाएंगे ना फादर और मदर के साथ, तब आपको पता चलेगा। जो डिनर होता है शाम का, गाला डिनर कहते हैं उसको, जब आपके पेरेंट्स आएंगे ना तब वो कहेंगे कि बेटा तुमने जितनी गलती की है सब माफ, जो पैसे लगाए सब माफ, क्योंकि तुमने आज ना जो है छाती चौड़ा करवा दिया मेरा। आपको शायद महत्व नहीं पता होगा पर आपके मम्मी और पापा जो है ना इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत गजब का माहौल होता है वहां का। गजब का माहौल होता है सर, गजब का माहौल होता है, माहौल ही अलग है। वहां खाना नहीं मिलता है सर, वहां ना हर दिन पार्टी होती है, हर दिन पार्टी होती है। क्या पार्टी करेंगे आप सर जी, जो खाने का लिस्ट होता है ना सर, यहां से शुरू होगा, यहां से आपको ना 100 मीटर तक का खाने का मेन्यू रहेगा, क्या खाए क्या ना खाए पता नहीं चलेगा, ये हर रोज का है। और वहां बैठने के भी पैसे दिए जाते हैं कि आप वहां अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं 55,000 रुपए बैठने के पैसे की, तुमने हमारे अंदर ट्रेनिंग किया हमको पैसा दे रहे हैं लो, और खा तुम अलग रहे हो। पूरा भारत दर्शन कराया जाएगा, 1 रुपए लिया जाएगा आपसे, एक एक जगह घुमाया जाएगा भारत के सभी राज्य, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप से लेके जम्मू कश्मीर तक। और सर आपको पता नहीं है, आप बनेंगे और आपके पापा जब गली मोहल्ले में ना सीना चौड़ा करके जाएंगे ना तब पता चलेगा आपको। सीधे बोलता हूं सर मैं ये हवाई सपने नहीं दिखा रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। आप एक काम करो, जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है ना उसके फादर से पूछो, वो बच्चा कुछ नहीं बताएगा, उसका फादर बोलेगा कि मेरा बेटा फलाने रैंक से है, इस बैच का बंदा है। एक जो 70 साल का 80 साल का रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर से पूछोगे ना, उससे भी पता होता है वो किस बैच का है, उसका बैच नंबर क्या था, उसका कैंडिडेट नंबर क्या था, उसका यूपीएससी में रोल नंबर क्या था, वो तो आपको बता देगा। मुझसे पूछो मैं बताऊंगा आपको कि मेरा 2017 के रोल नंबर क्या था, जाके देख लीजिए, 096767 था मेरा रोल नंबर, E17 मेरा जो था वो इंटरव्यू का टेबल नंबर था, जाके देख लीजिए। समझ में आ रहा है आपको, ये महत्व है सर, ये महत्व है, आप शायद इसको समझते नहीं है, ये गरिमा है, इसे प्रतिष्ठा कहते हैं। समझ पा रहा है सर, ये वर्थ है। क्या पार्टी करेंगे आप सर, वहां पार्टी देखेंगे आप। आपको मैं वीडियोस भेजूंगा लवासना के, ट्रेनिंग के वीडियो देखे हैं आपने, आप जाके देखिएगा आज जाकर, वो क्या कर रहे हैं आपको लगेगा कि क्या जिंदगी जी रहे हैं यार, क्या पार्टी करेंगे आप लड़का लड़की, वो लोग कर रहे हैं हॉर्स राइडिंग स्विमिंग पूल, गन से लेके सारी प्रैक्टिस कराई जाती है। हॉर्स पोलो, वाटर पोलो, हॉर्स राइडिंग के बिना तो आपको आईएएस बनाया ही नहीं जाएगा। हॉर्स राइडिंग इज वन ऑफ द मैंडेटरी क्लॉज, और पुलिस ट्रेनिंग तो पूछिए मत। हैदराबाद में होता है पुलिस ट्रेनिंग, पूछिए ही मत। समझ पा रहा है सर, ये चीज है, इसीलिए इस एग्जाम की सबसे ज्यादा पूछ है। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूं, इरिगेशन डिपार्टमेंट स्टेट का होता है, उसका सबसे ऊपर का इंजीनियर हो जाता है चीफ इंजीनियर। समझ पा रहा है, वो एसडीएम के सामने आप कभी जाते हुए देखोगे ना
डीएम के सामने, एसडीएम के सामने और डीएम के सामने, आपको लगेगा ये क्या है यार, उसके अंदर पूरा डिपार्टमेंट है, कम से कम 100 इंजीनियर काम कर रहे हैं, कितने चीफ चीफ इंजीनियर, वो डीएम के सामने इधर इधर काटता रहता है। एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का एक चीफ इंजीनियर मिला मेरे को, इंजीनियरिंग सर्विसेज का था, उसको डांट दिया साहब ने, क्या कर रहे हैं आप, बिजली क्यों नहीं आए यहां पर, डांट दिया ओपन कॉन्फ्रेंस में। इसीलिए इस एग्जाम की पूछ है, पावर है, पावर, और पावर नहीं प्रतिष्ठा है। पावर तो क्या होता है, पावर तो मिनिस्टर के पास भी है, प्रतिष्ठा है, मिनिस्टर को मुंह पे लोग गलियार निकल लेते हैं, एक आईएएस को गलियार था कोई, क्या प्रतिष्ठा है सर, प्रतिष्ठा इज्जत होता है। आप आईएएस बनिए, देखिए कल के डेट में आपके यहां के एमएलए एमपी ना आए आपके घर में, तो बताइएगा आप उनको। टीना दाबी का नाम सुना आपने, अधर और टीना दाबी जो टॉपर्स थे यूपीएससी के, उनका उनकी शादी हुई थी भाई, कोई ऐसा था नहीं जो पहुंचा नहीं था, लोकसभा स्पीकर वगैरह सब पहुंचे थे। आपको पता नहीं है कि आपका एग्जाम निकल जाएगा ना तो आप तो होंगे ही, आपके पापा इतने खुश होंगे उनकी खुद ही से आप फूले नहीं थमाएंगे, जो कल तक आपको नालायक समझते थे, या फिर दैट मैटर आपको समझते थे कि ठीक है ऐसा ही है, वो फ्लॉन्ट करेंगे लोगों के सामने कि यार वो मेरा बेटा है, वो देखने में आदमी गर्वान्वित फील करता है। दिस इज अबाउट यूपीएससी एंड देयर कैडर एवरीथिंग। अब मैं आपको इसके एग्जाम के बारे में बता देता हूं, ठीक है। देखो अब समझ में आ गई यूपीएससी सीएससी क्या है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इसका तीन पार्ट होता है, एक होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस, तीसरा होता है इंटरव्यू। ठीक, तीन पार्ट होता है, जिसे हम लोग कई बार पर्सनालिटी टेस्ट भी बोलते हैं, पीटी, और इसको प्रिलिमिनरी एग्जाम भी बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एग्जाम। ठीक है, और प्रीलिम्स क्या होता है, मेंस क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है। देखो पहले मैं मोटा मोटी बताता हूं, फिर मैं अंदर में जाऊंगा। मेंस में, मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर ही मेरिट डिसाइड होता है कि आपकी क्या रैंक है। ठीक, यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन मतलब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के तीन पार्ट हैं, एक प्रीलिम्स जिसको प्रीलिमिनरी एग्जाम भी बोलते हैं, दूसरा है मेंस और तीसरा है इंटरव्यू जिसे पर्सनालिटी टेस्ट भी बोलते हैं। मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स जोड़कर ही मेरिट डिसाइड होता है। मेरिट का मतलब रैंक, रैंक वन, रैंक टू, रैंक थ्री, रैंक फोर, इसके ज्यादा नंबर आएंगे रैंक वन, उससे कम रैंक टू, उससे कम रैंक थ्री एंड सो ऑन। यानी सबसे अच्छा बच्चा कौन होगा, रैंक वन जिसका होगा, ये तो अपने को क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। उसमें मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स जोड़े जाएंगे, नहीं समझ में आया, एकदम क्लियर है। प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। आप बोलेंगे सर ये क्या मतलब हुआ इसका, ये तो बकवास बातें होंगी। तो प्रीलिम्स सिर्फ इसलिए कराया जाता है ताकि बच्चों को छांट कर मेंस में भेजा जा सके। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो होता क्या है, मेंस में होता है आंसर लिखना, आंसर राइटिंग होती है। अब अगर सभी 10,00,000 बच्चों को कह दिया जाए कि तुम डायरेक्ट मेंस में लिखो तो कॉपी चेक करने में क्या होगा भाई, कॉपी चेक करने में क्या होगा, आपकी हालत नहीं खराब हो जाएगी। 10,00,000 बच्चों ने क्वेश्चन देखा मतलब 2 साल लग जाएगा कॉपी चेक करने में, नहीं समझे बात है। तो आप इंजीनियरों का तो नहीं हो सकता, लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इतने लोगों का आप एग्जाम करा दें, टेक्निकली भी पॉसिबल नहीं है। तो कहते हैं कि एक काम करिए, जिस 10,00,000 लोगों ने भरा है एग्जाम, ठीक है,
तो हम एक काम करते हैं, हम उनका ना प्रिलिमिनरी एग्जाम लेते हैं कि आप मेंस लिखने लायक हैं कि नहीं, तो प्रिलिम्स का एग्जाम कराते हैं। अब आप बोलेंगे सर 10 लाख तो प्रिलिम्स भी दे रहे, तो उसे भी कैसे चेक होगा? तो इन्होंने कहा क्या, इसके लिए हम एक काम करते हैं, एमसीक्यू कर देंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन देता है उसके चार ऑप्शन होते हैं ना, आपने सिम भी मार दिया टिक करके, तो उसे चेक करना तो आसान है ना, उसे मशीन में डाल दी, वो चेक करके बता देगा हमें कि वो सही बोला गलत बोला हूं, है वो चेक करके बता देगा हमको कि कितने नंबर आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना। तो कहते हैं कि 10 लाख बच्चों का मैंने प्रिलिमिनरी एग्जाम करवा दिया, 10 लाख बच्चों का प्रिलिमिनरी, तो मशीन से चेक हो जाएगा। इन 10 लाख में से 10 से 15 हजार बच्चों को मेंस एग्जाम देने के लिए कहा जाएगा। तो फंडा क्या होता है, प्रिलिमिनरी एग्जाम केवल क्या कर रहा है, छटाई कर रहा है, छटनी, इसलिए इसे स्क्रीनिंग भी कहते हैं, छटनी कर रहा है। जैसे कहता है चलो भाई बढ़िया चीज नीचे जाओ, गंदगी ऊपर छटो। तो इन्होंने एग्जाम के थ्रू क्या किया, 10 लाख में से जो बाकी बंदे थे उनको निकाल दिया, केवल 10 से 15 बच्चों को मेंस में, 10 से 15 हजार बच्चों को मेंस देने दिया। अब 10 से 15 हजार कॉपी तो चेक की जा सकती है, अब इनकी कॉपी चेक कर दी गई, इसमें आया आपका, इसमें आ गया मान लीजिए 100 नंबर, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, अभी बताऊंगा मैं कितने क्या होता है, और इंटरव्यू में आ गया आपका 50 नंबर, तो 100 प्लस 50 यानी दोनों को जोड़ देंगे 150 नंबर होंगे, आप 150 पे मेरिट बनेगी, मतलब कि जो नंबर फाइनल आएगा आपका वो मेन्स और इंटरव्यू दोनों जोड़ के होगा। अच्छा अब आप बोलेंगे क्या इंटरव्यू भी 10 से 15 हजार लोग का लेंगे, हालत खराब हो जाएगा। तो मेन्स में भी एग्जाम जब होता है तो उसमें ये लोग मान लो 15 हजार लोग ने मेंस दिया है, तो ये लोग क्या करते हैं, बस 3 ही हजार लोगों का इंटरव्यू लेते हैं और बाकी 12 हजार को हटा देते हैं, यानी कि मेंस क्वालिफाई करने पर ही आप इंटरव्यू देंगे, यानी प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो मेंस देंगे, मेंस क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू देंगे, तब मेंस और इंटरव्यू का नंबर मिलकर फाइनल आएगा। आप बात समझे कि नहीं? सर तीनों में टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? तीनों में टाइम ड्यूरेशन मतलब कितने कितने महीने पर एग्जाम होता है, प्रीलिम्स के 4 महीने बाद मेंस होता है, और मेंस एग्जाम के एग्जाम में मतलब रिजल्ट आने में 2 महीना लगता है, और जैसे रिजल्ट आया उसके 15 दिन बाद इंटरव्यू शुरू हो जाता है, इंटरव्यू में भी 2 महीना लगता है लेने में, क्योंकि 3000 बच्चे हैं ना, तो टोटल 6 से 7 महीने का प्रोसेस है। समझ में आया, क्लियर है दिमाग में है? ये फंडा होता है, यानी पहले आपने प्री क्लियर किया, उसके बाद आप मेंस लिखोगे, मेंस भी क्लियर तो मतलब ऐसा नहीं हो गया आपका हो गया, मेंस क्लियर किया, मेंस क्लियर करोगे तो फिर आप इंटरव्यू दोगे, और इंटरव्यू देने के लिए एक ही जगह जाना पड़ेगा, बिहार वाले को भी, तमिलनाडु वाले को, गुजरात वाले को, वो भी कहां पे बताया था यूपीएससी कहां है, न्यू दिल्ली, धौलपुर आओ जाना पड़ेगा। तो यूपीएससी भी भारत को एक साथ जोड़ने में मदद करता है, क्लियर है ये चीज। अब देखो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और सीसैट। सीसैट में केवल आपको 200 में 66 नंबर लाना होता है, यानी कि अगर आपने 66 नंबर लाया सब्जेक्ट 2 कि आप पास हो जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, 66 अगर आप 66 नंबर ले आए बस बात खत्म, इससे कोई मतलब नहीं है। जो मेरिट आती है कि प्रीलिम्स के आप मेंस देंगे कि नहीं, वो जीएस पेपर 1 होता है, जिसको मैं पढ़ाता हूं आपको, समझ में आ गया। इसमें क्या होता है कि 100 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब 200 मार्क्स, समझ में आ गया। नॉर्मली ऐसा देखा गया है पिछले अमूमन कुछ सालों में कि अगर किसी को 100 नंबर आ जाए तो उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, 200 में 100 नंबर आ जाए तो। अच्छा एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि 2 नंबर के तो होते हैं, और अगर गलत हो गया तो 0.66 माइनस भी हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट लिया और अगर वो गलत हो गया तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है, क्लियर है ये चीज। आप प्री क्लियर कर लिए सब्जेक्ट टू पेपर, अगर 66 मार्क्स आ गया सीसैट में
और अगर आपको 100 मार्क्स प्लस आ गया तो आपको पेपर वन में हो जाएगा, तो यानी कि आपको मेंस में आ गया। अब मेंस में क्या होता है, मेंस में क्या होता है, मेंस में क्या लिखना होता है बताओ, आंसर लिखने होते हैं आपको, बकायदे लिखना पड़ेगा आंसर, इसमें टिक मारने वाला सिस्टम नहीं है, तो मेंस में लिखना होगा। तो मेंस में होगा क्या, एक पेपर आपका ऐसे होगा 250 मार्क्स का, दो ऐसे लिखने होंगे, ऐसे लिखा होगा आपने कभी, तो दो ऐसे लिखने होंगे। फिर आएगा आपका जीएस पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, पेपर फोर, चार जीएस के पेपर होंगे, सिलेबस है मैं बताऊंगा, मैं ये फाउंडेशन इसी का होता है, जो आप पढ़ रहे हो ना वो यही कोर्स कर रहे हो, ये चारों 250 के होंगे, 250 के होंगे, तो इसका मतलब कितना हो गया, 250 × 4 1000 हो गया। और उसके बाद ऑप्शनल होगा, जो आप ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ रहे थे, इसके दो पेपर होंगे, पेपर वन एंड पेपर टू, तो 250 × 250 कितना हो गया, 500, तो यानी टोटल कितने हो गए, 1500 × 250 यानी 1750। इतने का मेंस होगा। और हिंदी और इंग्लिश का पेपर और होता है, वो क्वालिफाइंग होता है, वो उसमें 75 मार्क्स लाना होता है, जैसे ये क्वालिफाइंग है ना 66, उसमें भी 75 लाना होता है, वो हो जाता है, उतना बहुत सेटल नहीं है। तो ये समझ में आ गया 1750। और अगर आपने इसको क्वालिफाई किया, नॉर्मली 1750 में ऐसा देखा गया है कि 750 से लेके 800 नंबर के, यानी 750 से लेके 800 के बीच में अगर आपका आता है तो आप मेंस क्वालिफाई कर लोगे, ऐसा देखा गया है। मेरा नंबर जो था 2017 में 830 था, समझ में आ गया, उस साल कट ऑफ कुछ 800 नंबर था, इंटरव्यू में 275 मार्क्स का होता है, यानी कि 1750 और प्लस 275 कितना हो गया, 2025 मार्क्स, यानी कि टोटल मार्क्स कितना है, 2025 मार्क्स का। इसमें किसी का अगर 1000 आ जाता है तो वो क्वालिफाई कर जाता है, ज्यादातर देखने को मिला है। और 1100 आ जाता है तो वो आईएएस बन जाता है, बहुत कम का अंतर रहता है। इतना भी इंटरव्यू खराब होगा तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, समझे बात को, 1000 मार्क्स बहुत होता है, आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आया, वो बहुत लोग आया, वो समझे बात को कि नहीं। अब क्लैरिटी आई क्या करना है, प्री का क्या पर्पस है, मेंस का क्या पर्पस, आप एफसी क्या कर रहे हो, मैं आपका इतना एरिया कवर करूंगा, ज्योग्राफी ऑप्शनल लेते तो ये भी कवर हो जाएगा, तो पूरा मेंस कवर हो जाता है, ये खंडा होता है, क्लियर है। और साथ में एफसी में ये प्रीलिम्स भी होता है, दोनों होता है, क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ एग्जाम क्या है, एग्जाम का क्या पैटर्न है, कैसे हम एग्जाम देते हैं, क्या है सबका पर्टिकुलर क्राइटेरिया है। अभी आपको क्या करना है, क्या करेंगे आप जीएस पेपर वन, जीएस पेपर टू, जीएस पेपर थ्री, जीएस पेपर फोर का सिलेबस जो है उसको हार्ड कॉपी निकलवाएंगे, अगर आपको नहीं है तो किसी से भी ले लीजिए, वो आपको दे देंगे, आप उसका जीरोक्स करा लेना, फोटो खींच लो, जीरोक्स करा लो, और जो हम पढ़ा रहे हैं उसको टिक मारते रहो कि ये हो गया, ये हो गया, हो गया, ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड ऑफ टाइम आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। इसीलिए एससी में हम दोनों करते हैं, है ना। अच्छा चलो, अभी मैंने क्या बताया था आपको, अभी ये मुझे बताएगा कि क्या मैंने बताया था, मेंस में कितने पेपर होते हैं सर, पांच होते हैं, पांच कौन कौन से सर, ऐसे होते हैं जीएस वन, जीएस वन क्या हुआ, जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज, तो ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे क्या हो गया, दो ऐसे लिखने होंगे, टॉपिक दे दिए जाएंगे, 250 मार्क्स, तो 250 मार्क्स के होते हैं। अच्छा जनरल स्टडीज वन, वन ये भी 250 मार्क्स के होते हैं। अब इसमें क्या क्या है,
हिस्ट्री ज्योग्राफी। हाँ, इसका पहला टॉपिक है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में पहला आता है एंशियंट हिस्ट्री जो हम अभी पढ़ रहे हैं। yes, फिर आता है थोड़ा मेडिवल हिस्ट्री, फिर आता है मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद आता है वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। इन सबसे रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर क्या हुआ, डांस म्यूजिक थोड़ा बहुत, अपने को डांस करना नहीं है, डांस के बारे में पता होना चाहिए, कथक क्या होता है, भरतनाट्यम क्या होता है, एक सिविल सर्वेंट को इन सब के बारे में पता करना है ना, तभी तो उसको अप्रिशिएट करेगा। उसके लिए मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि कथक डांसर्स को 1,000 रुपए 1,00,000 रुपए दिया जाए। अब आपको पता ही नहीं है कथक क्या होता है, तो आप उसके महत्व को कैसे समझेंगे। इसलिए सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि कल के डेट में आपको कहीं भी फेंक सकते हैं ना वो, इसीलिए। इसके बाद दूसरा होता है सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज क्या होता है, अब एक सिविल सर्वेंट को समाज में रहना है तो उसे एक विमेन को रिस्पेक्ट भी करना सीखना पड़ेगा। इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेज, इतना सारा कल्चर, इतनी सारी डायवर्सिटी है, उसको भी रिस्पेक्ट करना होगा। तो रिस्पेक्ट कब होगा, जब तुम्हें उनके बारे में पता होगा, जब पता ही नहीं होगा तो कहां रिस्पेक्ट कर पाओगे, नहीं समझे बात को, है ना। तो सोशल इश्यूज हो गया, तो इसमें आता है डायवर्सिटी। भारत में कितनी डायवर्सिटी है, कितने धर्म है, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, पारसी है, जूज है, हैं? कितने रिलीजन, कितने कास्ट, कितने ट्राइब्स, कितनी जातियां हैं, कितने ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर माउंटेन है। तो डायवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, विमेन के बारे में पढ़ना है, रोल ऑफ विमेन इन सोसाइटी क्या है। इसके अलावा क्या पढ़ना है सोशल इश्यूज में, ग्लोबलाइजेशन, रीजनलाइजेशन, समाज के बारे में पढ़ना है हमें, समाज में क्या चल रहा है, ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है आपके सामने ज्योग्राफी, ये तो थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा, ज्योग्राफी में नदियां, पहाड़, माउंटेन, ये सारी बातें। टोपोग्राफी भी आती है, टोपोग्राफी नहीं आती है, हम लोग को लैंडफॉर्म पढ़ना है, टोपोग्राफी अलग चीज है। लैंडफॉर्म में कैसे माउंटेन्स कैसे बनते हैं, क्या बातें हैं, अब वो नापना नहीं है हम लोग को जाके वहां, है ना। तो ज्योग्राफी हो गया, ये जीएस पेपर वन का पार्ट हो गया, कितना आसान, ये तो क्लियर समझ में आ गया, ठीक। अब जीएस पेपर टू पे आते हैं, जीएस पेपर टू। जीएस पेपर टू क्या है, जीएस पेपर टू में क्या है कि पहला टॉपिक होता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या है, देखो हर एक देश जो होता है ना उसका अपना आईन होता है, आईन कहने का मतलब अपने लॉ होते हैं, नियम कानून होते हैं ना कि ये देश कैसे चलेगा। वैसे हमारे देश का भी अपना एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके आधार पर हम चलते हैं। जैसे मान लो एमएलए एमपी का नाम सुने होंगे ना, एमएलए है, एमएलए का इलेक्शन कैसे होगा ये कहां लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे होगा, प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, ये सारी बातें जो है जहां पर लिखा है उसको हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक सिविल सर्वेंट को ये पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए, ये तो पता होना ही होना चाहिए। दूसरा है गवर्नेंस, गवर्नेंस क्या हुआ, गरीब तबके के जो लोग होते हैं उनको राशन मिल पा रहा है कि नहीं, उनके उनकी जरूरतों का सामान मिल पा रहा है कि नहीं, ये पता होना चाहिए कि नहीं, गवर्नेंस में आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है। तीसरा है इंटरनेशनल रिलेशंस, इसका क्या मतलब हुआ, आया भाई भारत जो है उसका नेपाल से कैसे संबंध है, केवल अपने देश से मतलब रखोगे,
इंडियन फॉरेन सर्विस तुमको जाना है, भारत का पाकिस्तान से कैसा संबंध है, भारत का बांग्लादेश से कैसा संबंध है, भारत का यूएस के साथ कैसा संबंध है, यूके के साथ रिलेशन तो मेंटेन करोगे ना। हम लोग अपने घर में रहते हैं तो क्या पड़ोसी से मतलब ही रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। पड़ोसी क्या, पड़ोसी दूर वाले से भी मतलब रखते हैं, तो हमें वो भी पढ़ना पड़ेगा। जीएस पेपर टू ये होता है। जीएस पेपर थ्री क्या है? जीएस पेपर थ्री, अच्छा ये भी 250 नंबर का था जीएस पेपर टू, इस साल मैं पढ़ाऊंगा। ये सारी बातें ऐसे हंसे मजाक में करते पूरा हो जाएगा। जीएस पेपर थ्री क्या है? ये भी 250 मार्क्स का है। इसमें इंडियन इकोनॉमी है, क्या सबको रोजगार मिला है, एम्प्लॉयमेंट मिला भारत में, सबको इंडस्ट्री खुल रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है। बहुत भयंकर मेरा हो गया सर, कंट्री में हाँ भारत में सबको रोजगार मिल रहा है, क्या इंडस्ट्री खुल रहे हैं, उद्योग खुल रहे हैं? ध्यान सुनो, क्या क्या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रहा है, कृषि हो रही है, खेती हो रही है, क्या सब सर्विस सेक्टर काम कर रहा है? है ये जितने भी आपको जिससे पैसा कमाया जाता है, इनकम वाला चीज कि भारत कंट्री है, इनकम पैसा तो होना चाहिए ना भैया भारत के पास। जब तक पैदावार नहीं होगी तो इनकम कैसे होगा? एक दुकानदार के पास पैदावार नहीं होगा तो इनकम कैसे होगा? तो ये चीज क्या है, ये चीज क्या है? जीएस पेपर थ्री का पार्ट होगा, इसे इंडियन इकोनॉमी कहते हैं। ये तो पढ़े होगे इकोनॉमिक्स? यस, ये अभी हमें पढ़ना होता है। फिर इसके बाद इसमें आता है आपके सामने एनवायरमेंट। अब तुमने पैदावार के चक्कर में क्या किया, पोल्यूशन फैला दिया चारों तरफ इंडस्ट्री खोल खोल के, वो भी देखना होगा हमें। इसके अलावा इंटरनल साइंस भी होता है थोड़ा बहुत छोटा। साइंस का मतलब ये नहीं कि अब तुमसे पूछ रहे हैं बायोलॉजी में क्या है, ह्यूमन ऑर्गन बताओ कि टिश्यूज कैसे काम करते हैं, नहीं। साइंस में पूछा जाएगा कि आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, ये स्क्रीन है ये कैसे काम कर रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे मान लो वैक्सीन आ गया कोरोना का, अब पूछ लेंगे अच्छा मतलब कोरोना का वैक्सीन कैसे काम करता है। तो जो बिहेवियर में आप देख रहे हो ना, आपके आप जो भी पूछा जाएगा वो आपके आसपास की घटना ही पूछी जाएगी, ऐसा नहीं आवाज में कोई आके चला गया, ये चीज पूछी जाएगी। अच्छा इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी क्या है? नक्सल आ गए, लॉ एंड ऑर्डर इश्यू हो गया, आतंकवादी अटैक कर दिया आपके कंट्री में, तो आप कैसे निपटेंगे बताइए, ऐसा पूछेगा आपसे, तो आपको जवाब देना पड़ जाएगा, समझे? तो जीएस पेपर थ्री में ये पूछा जाएगा। जीएस पेपर फोर में क्या पूछेंगे आपसे? जीएस पेपर फोर में, जीएस पेपर फोर में ये आपको ऋषि बनाने की कथा है, कि आपका चरित्र कैसे ठीक हो, नहीं समझे? एथिक्स, आपका एथिक्स कहते हैं इसको, इस पेपर को एथिक्स पेपर कहा जाता है, कि भैया अगर आप अच्छे इंसान नहीं रहेंगे, समझ में आ रहा है, तो आप जाके जाएंगे करप्शन करेंगे पैसा कमाएंगे, तो आपको अच्छा आप कैसे अच्छे हो वो बताने की कला है, यही ये पेपर पूछा जाता है, यही चारों जीएस पेपर आपसे पूछे जाते हैं, इसी पर ऐसे भी होता है। ये है टोटल आपका सिलेबस, बाकी ऑप्शनल का तो अलग है, समझे बाबू? ये चीज है।